निकल जाओ मेरे घर से, किराया देने के लिए पैसे होते नहीं है और रहेंगे किराए पे। गरीब, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना इस गली में भी। इस मकान मालिक ने भी निकाल दिया, कुछ सोचा कहाँ रहेंगे? नहीं भाई, नहीं भाई। और तू साले, तेरे पास दारू पीने के लिए हमेशा पैसे होते हैं लेकिन किराए के टाइम पे पैसे खत्म हो जाते हैं, और तू ऐसे क्या देख रहा है उसको? लड़की बाजी के लिए हरदम पैसे होते हैं लेकिन किराए देने के वक्त पैसे नहीं होते। कहाँ रहेंगे, सड़क पे सोओगे क्या? सोना पड़ेगा भाई, सोना पड़ेगा भाई, तू ही सोइयो। क्या करे, जिंदगी खराब होगी तुम्हारे साथ रह रहे के। पूरे 2 घंटे हो गए चलते चलते, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात क्या पूरा महीना सड़क पे ही काटना पड़ेगा। और ये तो मेरा दोस्त है हिमांशु, ये बाइक पे क्या कर रहा है? तुम एक काम करो, चाय की दुकान पे जाओ, मैं इसे मिलकर आता हूँ। अरे हिमांशु, क्या हाल है भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बढ़िया भाई, तू सुना, तू ऐसे कैसे घूम रहा है? अरे यार, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, बस यही परेशान हो रहा हूँ। खैर छोड़, ये बता तूने नई स्कूटी कैसे ले ली, कोई 2 नंबर का काम स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं नहीं भाई, कोई 2 नंबर का काम नहीं है, एकदम ईमानदारी का पैसा है। एक तो मेरी खुद की इनकम, ऊपर से अब मैंने पैसिव इनकम भी करना शुरू कर दिया। पैसिव इनकम कैसे? भाई मैं बिनोमो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। बिनोमो, ये क्या है? ये देख, ये बिनोमो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ऐप है, ये एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। यहाँ बिग कंपनी जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है, इसमें इनके स्टॉक की वैल्यू फोरकास्ट करनी होती है कि समय के रिगार्डिंग इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अच्छा, लेकिन ये यूज कैसे करते हैं? चलो मैं आपको एक फोरकास्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने इस पे 700 का फोरकास्ट अप पे कर दिया। अब थोड़ा सा वेट कर। यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। वाह यार, इसको हम इजीली 24 आवर के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या पेटीएम वॉलेट में। अरे वाह यार, ये तो बहुत सही है, लेकिन इसमें कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है। हमारा प्रोमो कोड यूज करने पर आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, मतलब 10 का 20। और मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे 65,000 रुपए डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए और डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करने के लिए। वाह यार, मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ हाँ, अभी डाउनलोड कर ले, बिनोमो ऑनलाइन ट्रेडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सब भी डाउनलोड कर लेना। चल भाई मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, आ रहा हूँ यार। ऐसा क्या देख रहा, खाएगा? अबे तेरे से बात कर रहा हूँ। तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? क्या बोला तूने, एक बार दोबारा बोलियो। तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? अबे तू भूत है क्या जो हमें नहीं दिखेगा? एक तो पहले भड़क हो रखी है, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, रहने के लिए घर नहीं हमारे पास, तुम्हें मैं दिख रहा हूँ। तुम्हें मकान चाहिए रहने के लिए? हाँ चाहिए, दिलाएगा? चलो मैं चलना। अबे भाई, ये तो इतनी महंगी सोसाइटी लग रही है, यहाँ तो कम से कम 20,000 रुपए से नीचे किराया ही नहीं होगा यार। अबे घोचू, तो देखने के कौन सा पैसे लग रहे हैं, चलना बढ़िया, आज का दिन भी कटेगा, जल्दी चलो बुड्ढे ने स्पीड पकड़ ली। भाई वैसे मेरा ना सपना था कि मेरा खुद का घर हो ऐसे बड़ी सोसाइटी में। अबे सपना तो मेरा भी था, मियाँ खलीफा मेरी हो, सारे सपने पूरे नहीं होते। छोटू जो सपने देखते हैं वो पूरे भी करते हैं। चल चल चल। भैया पहले दरवाजा अपने आप खुल गया और अब ये पूरे घर की लाइट अपने आप कैसे जल गई? ऑटोमेटिक। भाई महंगी जगह है, हो सकता है। ठीक भैया, हम आपका घर देख लेते हैं एक बार पूरी अच्छे तरीके से।
अरे भाई रिंग लाइट क्या टाइप बंदा है तू भाई। घर तो बहुत शानदार है यार। भाई घर तो सच में ही बहुत शानदार है, बिल्कुल तेरे सपनों के घर जैसा। सही कह रहा है भाई। किराया कैसे देंगे यार? किराया इतना भी अच्छा नहीं है घर। ये बात हमने मकान मालिक को बोलनी है, और तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना मकान मालिक के आगे। अंकल अंकल जी आप यहाँ कैसे आए? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक भाई महंगी जगह है ना, हो सकता है। अंकल जी हमें आपका घर पसंद ही नहीं आया, लेकिन हम फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, तो रेंट बता दो मेरे को। 2 लाख? 2 लाख तो बहुत ज्यादा है। 2000। 2000 रुपए रोज के? नहीं अंकल जी, हम इससे बढ़िया तो ओयो में रह लेंगे। 2000 रुपए रोज के? महीने के 2000 रुपए थोड़ी होते हैं, बहुत ज्यादा है। साल का? 2000 रुपए साल के बहुत ज्यादा है अंकल जी, बहुत महंगा है। 2000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 1500 रुपए लगा लो। हाँ 1500 लगा लो, सही कह रहा भाई। 1200 रुपए साल के बहुत ज्यादा है अंकल जी, बहुत ज्यादा है। 1000 में बात कर लो अंकल जी। 800। ठीक है अंकल जी, है तो वैसे ज्यादा, पर आप बड़े बूढ़े हो, आपकी रिस्पेक्ट करके इज्जत करके ले रहे हैं, तो डील डन। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना टाइम। ठीक है अंकल जी। कबूतर भाई, भाई अंकल कहाँ गए? ऑटोमेटिक भाई, महंगी जगह है ना, हो सकता है। भाई मुझे बोर्ड लग रहा है। तो एक काम कर, हम दोनों रह लेंगे, तू मत रह हमारे साथ। नहीं भाई, मैं तेरे साथ, पर तेरे को मेरे साथ रहना पड़ेगा भाई। ये लाइट को क्या हो रहा है? अच्छा, महंगा घर, महंगी जगह, सब कुछ ऑटोमेटिक है। डरने की कोई बात नहीं है, सोच आता हूँ। जय बजरंग बली। अरे भाई तू पागल है क्या, इतनी देर से चादर खींच रहा है? भाई चादर मैं नहीं, तू खींच रहा है। तूने खींची है? तूने खींची है? मैंने खींची है? तूने खींची है? चादर खींच रहा है जब देखो। नहीं, एक तो मैंने तेरे को अपने साथ सुलाया, अब मेरे को थप्पड़ ही मारेगा। भाई मैंने कब मारी? और किसने मारा? झूठ भी बोल रहा है। तूने साले मुझे थप्पड़ मारा। भाई मैंने कब मारा? तू निकल जा यहां से। भाई नहीं,
अरे निकल। भाई नितिन एक बात बताऊं, कल रात ना मेरे कमरे में चादर अपने आप ही सरक रही थी और योगेश कह रहा था कि मैंने हटाई है। भाई माँ कसम मैंने नहीं हटाई भाई। हाँ भाई कल रात ना मेरे कमरे की लाइट ऑटोमेटिकली जल रही थी बुझ रही थी जल रही थी बुझ रही थी। भाई मुझे तो यहाँ लगता है पक्का भूत है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई मुझे तो लगता है इस घर में भूत है। भाई तू कुछ करना। भाई अब तो जो करेगा वो भूत ही करेगा। इन दोनों की तो फटी पड़ी है। इनको और डराने का यही मौका है। इनको डराने के लिए बुड्ढे का सहारा लेता हूँ। किसे लेगा बुड्ढे? अंकल अंकल जी अंकल जी मेरी एक हेल्प कर दोगे? मेरे दोस्तों को लगता है यहाँ पे भूत है। सही तो लगता। क्या मतलब? कुछ नहीं, क्या हेल्प चाहिए? मेरे दोस्तों को लगता है यहाँ पे भूत है तो ना आपने उनको भूत बन के डराना है। मतलब? मतलब उनको एहसास कराना है कि यहाँ पे सच में भूत है ताकि वो डर जाए। मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, टाइम आने पर मैं खुद ले लूंगा। हाँ ले लेना अंकल, सब कुछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से डराना और रात को डराना ताकि वो और ज्यादा डरे। ठीक है भाई, अच्छे से डराना। अबे नितिन उधर बंदा जा रहा है। अबे मारना उसे, अबे मार, भाग जाएगा। मार साले, मुझे नहीं गेम में मार। अबे मैंने कब मार दिया तेरे को? अबे वो बंदा पेड़ के पीछे, मार 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 मार। अबे साले मेरे को क्यों मार रहा है? अबे मैं कब मार रहा हूँ, गेम खेल ले चुपचाप से। फिर किसने मारा भी ये? अबे मैंने कहा मारा तेरे? तू नहीं मारा है। अब भाई गेम खेल ले, देख आउट हो जाएगा। भूत? इस बुड्ढे को समझाया था कि इनको रात को डराना है, इसने तो दिन में डराना स्टार्ट कर दिया। चैन से हगने भी नहीं देते। ए, क्या कोने में छुप के बैठे दोनों? हैं? क्या भूत भूत चिल्ला रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होते, आत्मा होती है। मान ले 1% यहाँ पे भूत है भी तो वो भूत मेरा क्या बिगाड़ लेगा बता बेटा? भूत हिम्मत है तो सामने आ। नहीं ये भूत मेरा क्या बिगाड़ लेगा? भाई अंदर क्या हुआ? भाई वो 800 में देने की नहीं लेने की बात कर रहा था। हर भूत जान नहीं लेते तो कुछ कहा था ना, टाइम आने पर खुद ही ले लूंगा। Hey guys, guys, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी, और जाते जाते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक चीजें डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 चाहिए तो बता देना, अगले पार्ट में भूत की लेंगे, मतलब भूत के साथ कुछ करेंगे हम भी, समझ रहे हो तुम तो?